अभी खोल देते हैं। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। ओए, तू फिर आ गई है बीबी, जा माफ कर। अबे मुझे फकीर नहीं समझ रही हो भोलू, देख रहे हो ना? ए भोलू बंदर, खबरदार जो देखा तेरी बेटी की उम्र की है। ऐसी बातें कर रही हो, ये बेटी नहीं है मेरी, बीवी है मेरी। हुशो बुशो, मैं तो समझी थी तू इसका दादा है। अरे ये तो बहुत शरीफ आदमी है, दादा तो मेरा भाई है। हाँ? तुम्हारा भाई तुम्हारा दादा, दादा ये कैसे हो सकता है? कंफ्यूज कर रही हो तुम मुझे। अरे मेरा मतलब है वो अपने इलाके का दादा है भोलू। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ओए हटे, आप जगह दे हमें। अरे क्या हूँ ये जगह तुझे क्यों दूँ? ये हमारी खानदानी जायदाद है। खानदानी जायदाद नहीं है, ये किराए का मकान है, इसके किराए मैं देता हूँ। इस घर का किराया जमीला के पापा देते हैं। कौन जमीला? मेरी बहू। अरे तुम्हारी बहू तो खूबसूरत है। है पर मुझसे कम बच्चू। अरे तुम्हारी बहू खूबसूरत है और मैं उसका पापा हूँ सिद्दीकी। हाय आप पापा जी हैं। आए आए पापा जी, प्लीज अंदर आए। आए मेरी बेटी। आप इस तरह अचानक से कैसे आ गए? बताया भी नहीं। तुमने कहा था ना तुम मुझे मिस कर रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को सरप्राइज दे दूं। पापा जी आप आपने अपने प्यारे दामाद को ना 1.5-2 करोड़ दे के सरप्राइज देना है। मुझे भी सरप्राइज दे देना पापा जी। पापा जी मुझे भी चाहिए सरप्राइज। बस करो तुम लोग, क्या बेकार की बातें लगाई है। यही सरप्राइज था तुम तीनों के लिए। हाँ और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ 8 बजे तक रह सकती हूँ। क्यों मम्मी जी, 8 बजे के बाद आप लुमड़ी बन जाती हैं क्या? जी नहीं, 8 बजे हमारी फ्लाइट है पेरिस की। पेरिस? पापा जी मुझे पता था आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी मुझसे भी करते हैं। मुमताज मैं मुझसे जल्दी से पैकिंग करें, पापा जी हम सबको पेरिस लेके जा रहे हैं। यार जानू मेरा सूट कैसे निकालो जल्दी से, शादी वाला। ममो वो मेरी गर्म वाली मोटी जो जैकेट है ना वो भी निकाल लो। हाँ वो लाल वाली रजाई भी रख लूं जो माँ जी पिंड से लाए थे। चुप करो तुम लोग, जाओ क्या तुम्हें भाई, पेरिस सिर्फ मैं और निराली जा रहे हैं। याहू ए खुदा मेरे पापा सलामत रहे। मेरा नाम निराली है। चुप, पेरिस का सुनते ही ना अपना नाम झट से बदल लिया इन्होंने। पापा जी मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ कि निराली मैं ही हूँ। माँ जी आप मुमताज हैं, महमूद साहब की बीवी, ये निराली है। हाँ मैं और भोलू जा रहे हैं अपने हनीमून पर पेरिस। चलो बोलू अंदर चलते हैं। नहीं ये जो आप अंदर जा रही हैं ये हमारा कमरा है मम्मी जी। इस घर का किराया मेरा शौहर देता है तो ये घर भी मेरा है। हाँ। मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ रहूंगी। चलो अंदर। चलो चलो चलो, ये नाइंसाफी है यार। पापा जी इतने संग दिल कैसे हो सकते हैं यार? ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है नबील, पापा हनीमून पे जा रहे हैं, अपने जाने दो उन्हें। लेकिन जानू मेरे बगैर हनीमून पे कैसे जा सकते हैं? क्या? हाँ जानू उनका फर्ज है ना यार, पहले हमें हनीमून पे भेजे, हमारा तो अभी तक हनीमून ही नहीं हुआ। हाँ लेकिन अभी तो सिर्फ पापा जा रहे हैं ना। मुझे नहीं पता जानू, मुझे पेरिस जाना है यार। तुम उनकी अकलौती औलाद हो, उन्हें कहो तुम्हें साथ लेके, बल्कि हमें साथ लेके जाएं यार, तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं वो? अच्छा नहीं लगेगा नबील, वो लोग हनीमून पे जा रहे हैं। काहे का हनीमून जानू, पापा जी तो हर साल हनीमून पे जाते हैं यार, और हम अभी तक लाहौर नहीं गए यार। चलो तुम बात करो यार। अच्छा ठीक है मैं बात करके देखूंगी, लेकिन सिर्फ एक बार। अरे हमें किसी भी कीमत पे पेरिस जाना है मुमताज। काश मैं शफकत की बीवी होती तो आज वो मुझे पेरिस लेके जा रहा होता। लेकिन तुम तो महमूद की बीवी हो यार। कौन महमूद? मैं महमूद यार। अच्छा आप महमूद के यार हैं। अरे तुम चलो यार जल्दी से आओ, सिद्दीकी साहब से बात करते हो। आ जाओ। बड़े ही कोई बदतमीज और छिछोरे हैं तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले, न चाय पूछा, न ठंडा, न पानी, न खाना, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, बिल्कुल ठीक। बस अब अगले महीने से इन लोगों का खर्चा बंद कर देंगे आप। हाँ।
पापा जी वो ना खूबसूरत ना आपसे कोई बात करना चाहती है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो पापा, आप हनीमून पे जा रहे हैं ना, हम सब आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ, और मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकूंगी, इसलिए मैं भी साथ चलती हूँ। मुमताज पापा जी, देखिए अगर आप पेरिस गए और आपको दिल का दौरा पड़ गया और आप गुजर गए, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना आपको संभालने के लिए, कंधा देने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम भाई? सदीकी साहब, आप ना मुझे अपने साथ ले जाए, मैं ना आपका सामान वगैरह भी उठा लिया करूँगा। हाँ, इश्फाक पहले कुली थे ना। हद होती है चिपकूपन की। खबरदार जो किसी ने हमारे साथ जाने की बात भी की तो। चलो निकलो यहाँ से, भोलू शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ, चल चलो निराली बेगम। जानू, पापा जी ने अच्छा नहीं किया, देखा कितने सेल्फिश है तुम्हारे पापा जी। यार शजात नबील, इट्स नॉट ओके जानू, अगर हम पेरिस नहीं जाएंगे ना तो पापा जी भी पेरिस नहीं जाएंगे, मैं बता दूं तुम्हें। बिल्कुल ठीक है मेमू साहब। माँ जी, आप दोनों मेरे साथ आ जाओ। हमें पापा जी को कुछ भी करके हनीमून से रोकना होगा। क्यों ना हम उसका मर्डर कर दें कफील? नबील माँ जी। हाँ, क्यों ना हम नबील का मर्डर कर दें कफील? ओहो, पापा जी को मारने का कोई फायदा नहीं होगा भाई। अरे उनके बाद वो निराली हमें पाई पाई पे मोहताज कर देगी यार। हाँ, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उनका हनीमून कैंसिल हो जाए। हाँ, तो हम उस निराली बेगम को वो उखला देते। वो क्या जहर? नहीं 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 भाई, इतनी प्यारी लड़की को जहर खिला के नहीं मारना चाहिए। मैं जहर खिलाने की बात नहीं कर रही, मैं वो खिलाने की बात कर रही हूँ जिसे पेट खराब हो जाते हैं, समझे? जमाल गोटा माँ जी। हाँ वही। हाँ माँ जी, गुड आइडिया। हम पापा जी और निराली को ना जमाल गोटा खिलाते हैं, हाँ, और देखते हैं ये कैसे जाते हैं पेरिस। हाँ तो ठीक है, फिर मैं और क्रीम उनके टिकट पर फिर चले जाएंगे ना। अरे मोमो, वो बस के टिकट नहीं है भाई। हाँ हाँ, तो मैं भी इतनी जाहल नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि ट्रेन के टिकट होंगे। ओ यार, आप लोग मेरे साथ किचन में आए, उठे चल यार, चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार, चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं यार। बबल बनाए चलता जा कोई यार। पापा जी चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ओ पापा जी, मेरी शक्ल नहीं, खीर देखें, ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। खीर? खीर? ला 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 ला। खाएं, 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 शाबाश।